नमस्कार दोस्तों, फाइनली 2019 XUV300 की ऑफिशियल प्राइस हमारे सामने आ गया है और आज मैं स्टूडियो पे आपके साथ XUV300 की प्राइस शेयर करूंगा और इस प्राइस को मैं विटारा ब्रेज़ा और टाटा नेक्सॉन से कंपेयर करूंगा और लास्ट में बताऊंगा XUV300 का प्राइस कैसा है, क्या ये प्राइस विटारा ब्रेज़ा और टाटा नेक्सॉन को कॉम्पिटिशन दे पाएगा या नहीं, सारे डिटेल इस वीडियो पे शेयर करूंगा। तो देर क्यों, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों लाल बटन को दबाइए और ऑटो एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाले बेल आइकन को छोड़ना मत, उसको भी एक बार दबाई लीजिए क्योंकि आपको पता चले कि ऑटो एक्सप्लेन के ऊपर एक वीडियो आया है। दोस्तों यहाँ पे आप सामने देख सकते हो जो XUV300 की जो प्राइस का लिस्ट है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल वर्जन की। दोस्तों पेट्रोल वर्जन W4 का प्राइस है 7,90,000 रुपीज और W6 वेरिएंट का प्राइस है 8,75,000 रुपीज और W8 वेरिएंट की प्राइस है 10,25,000 रुपीज। दोस्तों बात करेंगे डीजल की, तो डीजल का W4 वेरिएंट की प्राइस है 8,49,000 रुपीज और W6 वेरिएंट की जो प्राइस है 9,30,000 रुपीज और W8 वेरिएंट की प्राइस है 10,80,000 रुपीज। दोस्तों ये सारे वेरिएंट के ऊपर भी एक वेरिएंट है जिसका नाम है W8 ऑप्शनल। दोस्तों W8 ऑप्शनल आपको खरीदने के लिए 1,11,000 रुपीज ज्यादा देना पड़ता है। जैसा कि आप खरीदना चाहते हो पेट्रोल के ऊपर, तो पेट्रोल के ऊपर आपको देना पड़ेगा 1,11,000 रुपीज। आप खरीदना चाहते हो डीजल में, तो डीजल के ऊपर आपको देना पड़ेगा 1,11,000 रुपीज। चलिए दोस्तों अब हम इस प्राइस को कंपेयर करेंगे टाटा नेक्सॉन के प्राइस के साथ और विटारा ब्रेज़ा की प्राइस के साथ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने में सारे प्राइस का जो लिस्ट बना के आपको दिया हूँ। दोस्तों विटारा ब्रेज़ा में सिर्फ डीजल आता है, पेट्रोल वेरिएंट नहीं दिया गया है और टाटा नेक्सॉन और विटारा ब्रेज़ा में ऑटोमेटिक दिया गया है, बट ऑटोमेटिक का प्राइस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि XUV300 में ऑटोमेटिक नहीं आता है। जो भी आप प्राइस देख रहे हो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस है। दोस्तों प्राइस तो आप देख लीजिए, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। दोस्तों जो पेट्रोल वेरिएंट की आप बात करें तो टाटा जो नेक्सॉन का जो प्राइस और XUV300 की जो प्राइस है लगभग 1.5 लाख रुपए डिफरेंस है। दोस्तों टाटा नेक्सॉन की बेस वेरियंट XC का प्राइस है 6,37,000 रुपीज, इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा 1,50,000 रुपीज XUV300 की बेस मॉडल परचेज करने के लिए। ऐसे ही तीनों वेरिएंट है। दोस्तों बात करेंगे डीजल वेरिएंट की, तो डीजल वेरिएंट के ऊपर आपको देना पड़ता है 1 लाख रुपए ज्यादा। फॉर एग्जांपल आपको समझा दूंगा, दोस्तों टाटा नेक्सॉन की बेस मॉडल का प्राइस है 7,40,000 रुपीज और विटारा ब्रेज़ा का प्राइस है 7,67,000 रुपीज। दोस्तों दोनों में टाटा नेक्सॉन की प्राइस कम है। अब हम बात करेंगे XUV300 की। दोस्तों XUV300 की जो प्राइस है ना W4 डीजल वेरिएंट की 8,50,000 रुपीज है, लगभग 1 लाख रुपए ज्यादा है। दोस्तों आखिर यही बात आता है, XUV300 में तो फीचर्स काफी ज्यादा है, उसके साथ ही प्राइस भी ज्यादा किया ना, 1-1 लाख रुपए का डिफरेंस है। मुझे ये बात हजम नहीं हुआ क्योंकि आपने तो प्राइस भी बढ़ा दिया, उसके साथ ही स्पेसिफिकेशन भी बढ़ा दिया और प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ा है इन लोगों ने। लगभग पेट्रोल वेरिएंट में 1.5 लाख रुपए ज्यादा है और डीजल वेरिएंट में 1 लाख रुपए ज्यादा है। दोस्तों कार की डायमेंशन में तो पूरी तरह से सेम है, विटारा ब्रेज़ा टाटा नेक्सॉन और XUV300 डायमेंशन में तो पूरी तरह से सारे कार सेम ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस होगा तो 19-20 का चेंजेस हो सकता है, बट फीचर XUV300 में ज्यादा दिया है, बट प्राइस भी इन लोगों ने काफी ज्यादा किया है, इतना उम्मीद मेरा भी नहीं था। दोस्तों बात आती है क्या टाटा नेक्सॉन को XUV300 बीट कर पाएगा, मेरा ओपिनियन नहीं क्योंकि प्राइस तो इन्होंने काफी ज्यादा किया, तो एक तरह से XUV300 विटारा ब्रेज़ा और टाटा नेक्सॉन की कंपटीशन में तो आता ही नहीं, ये तो सीधा कंपटीशन करेगा हुंडई की क्रेटा से। तो क्या ये हुंडई का क्रेटा को कंपटीशन कर पाएगा, मेरा मानना है कि शायद नहीं। इन लोगों ने तो फीचर काफी ज्यादा दिया बट प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया। दोस्तों ये तो छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर करने का मन किया, क्या आपको ये वीडियो पसंद है, पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने ऑटो एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक मसालेदार एपिसोड में। गुड बाय।